अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को गाजर का हलवा बगैर प्रेशर कुकर के बनाना सिखाऊंगी। 1 किलो गाजर का हलवा बगैर कद्दूकश किए, बगैर प्रेशर कुकर के कैसे हम 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली। इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने देसी घी के ऐड करनी है, ठीक है। 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने देसी घी ऐड करना है। उसके बाद मैंने 1 किलो गाजरें ले ली, जिसको जो है मैंने इस साइज में काट लिया है। साइज आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने कैसे इनको काटा है। तो 1 किलो मैंने गाजर दे दी, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश गाजर है। सर्दियों का मौसम है तो ये सर्दियों की सौगात है, तो आप लोगों ने गाजर के हलवे को जरूर ट्राई करना है। 2 से 3 चम्मच के करीब आप लोगों ने पानी डालना है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं डालना। इसको कवर करके 5 मिनट पकाते हैं। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं गाजर हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। अब हम एक मैशर लेंगे और इसके ज़रिए इसको मैश करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने इसको मैश करना है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है, इसीलिए मैश करने में हमें मुश्किल नहीं होगी। और बगैर प्रेशर कुकर के, बगैर कद्दूकश किए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों के वक्त की भी बचत होगी। देखिए मैंने इसको कितने ज़बरदस्त तरीके से मैश कर दिए हैं। अब हम इसका पानी को खुश करेंगे। जब तक इसका पानी खुश होता है, दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया। इसमें हम 1/2 लीटर तक दे देंगे दूध, ठीक है। 1/2 लीटर आप लोगों ने इसमें दूध ऐड करना है। उसके बाद जब ये दूध थोड़ा सा गर्म होने लग गया है, अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, नारियल का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, 3 से 4 अदद इलायची, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जो आप लोगों को पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इसको पकने देते हैं 5 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको पकने दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे खोया, ठीक है। इसमें तकरीबन 1/2 kg हम लोगों ने दूध दिया है, तो 1/2 kg आप लोगों ने खोया ऐड करना है, ठीक है। इससे इसका लेवल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा खोया अभी ऐड किया है, नेक्स्ट स्टेप बताती रहूँगी मैं आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं गाजर का तमाम पानी खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये भुनने के काबिल हो चुके हैं, ये देखें। अब जो हम लोगों ने दूध में खोए को और बाकी चीज़ों को पकाया है, वो तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। तो आप लोगों ने इसमें इसको ऐड कर देना है, ऐसे आप लोगों ने तमाम को डाल देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और माशाल्लाह से आप लोग यकीन माने तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं ये स्टेप करने में। इसको भूनने में मज़ीद आप लोगों को 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, ठीक है। 1 कप तक आप लोगों ने चीनी ऐड करनी है। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप तक मैंने पूरा 1 किलो के हिसाब से आप लोगों को बताया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी मज़ीद ऐड कर दिए मैंने इसमें, और अच्छी तरह से इसको आप भूनेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने इसको भूना है। मज़ीद इसमें खोया ऐड करेंगे, जो 1/2 kg मैंने पहले भी यूज़ किया, अब भी यूज़ किया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने मज़ीद बचा दिया इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो अच्छी तरह से मैं इसको भूनती हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब ये भुनने के काबिल होने लग गए हैं। तो अच्छी तरह से मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको पकाना है, जब तक साइडों से घी ना निकलना शुरू हो जाए। और अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो साइडों से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों का ये तैयार होने लग गया है। ये देखिए मज़ीद मैंने 5 से 6 मिनट इसको भुना है, और इसकी लुक आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त, और आप लोग यकीन माने बहुत ही खुशबूदार ये तैयार हुए। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ।
तो आप लोग देख सकते हैं इसको मैं निकाल रही हूँ और कितनी इसमें खूबसूरती आ रही है। इसमें आप लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, घंटों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप लोगों ने इसको कद्दूकश नहीं करना, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना। बस आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को रेसिपी बताई है वो आप लोगों ने फॉलो करनी है और 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग इस गाजर के हलवे को इंजॉय कर सकते हैं। 1 किलो गाजर का हलवा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुआ है। ऊपर से आप लोगों ने गार्निश कर देना है खोए से, और इसके अलावा थोड़े से आप लोगों ने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये लग रही हैं। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती आई है इसमें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।